shit all together. सीरियल जीजी माँ के आने वाले एपिसोड में सूयश इमोशनल नजर आ रहा है। सूयश उत्तरा देवी से कुछ बताता भी दिखता है। चलिए पूरा सीन जानते हैं। सूयश एक कैलेंडर को देख के याद कर रहा है कि 5 अप्रैल को ये वही डेट है जहाँ पे हम दोनों पहली बार मिले थे, और आसपास आज कहीं ना कहीं फाल्गुनी की कमी महसूस हो रही है, वो मेरे आसपास नहीं है। तो उसको देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत हर्ट फील हो रहा है कि मैंने इसे घर से बाहर निकाला है क्योंकि इसने कुछ ऐसा किया था पास में। और वहाँ पे उत्तरा जी आके मुझे, जो उत्तरा देवी हैं वो आके कंसोल करती हैं कि क्या हुआ मुझे बताओ, और मैं उनको बताता हूँ। और पीछे से पता चलता है ये लेजर, ये मैडम चोरी छुपे सब बातें सुन रही थी, कमरे में भी आती हैं और फिर रोना शुरू करती है, फिर नया ड्रामा करती हैं। वो क्या करती हैं बताइए प्लीज़। वहीं लेजर भी इमोशनल नजर आती है क्योंकि उसे भी सच्चाई का पता चल गया है। हाँ, तो मैं सुन रही हूँ और मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ, और उसकी वजह से मेरा मेकअप निकल जाता है। तो मैं अंदर तो आती हूँ और मैं भी कैलेंडर देखती हूँ और याद करती हूँ अपने वो पुराने दिन, और मैं रो पड़ती हूँ और जिसकी वजह से मेरा मेकअप निकल जाता है। तो मैं देख लेती हूँ शीशे में कि ओ शिट अब क्या करें, और ये तभी आ जाते हैं पीछे से, तो मैं फटाफट लाइट बंद कर देती हूँ। मुझे तो ये बोलते हैं कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। हाँ, और लेजर मेरे कमरे में क्या कर रही है। हाँ। और ये मौका नहीं, बचने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचने के लिए मैं इनको एम्बैरेस कर देती हूँ और ये मुझे देख नहीं पाते हैं और मैं भाग जाती हूँ। एम्बैरेस करने के लिए क्या, बस एम्बैरेस हो गया तो मतलब उन्हें पता ही है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट। नहीं नहीं पता नहीं, बताओ ना प्लीज, बताओ ना क्या करती हो तुम, फटाफट बताओ। 3, 2, 1 गो। बच्चे के लिए मैंने किस कर देती हूँ, ठीक है, क्या सुना नहीं क्या बोला, चुप रहो, और मैं भाग जाती हूँ फिर। यस, चलिए जरा बता दीजिए कि आप सूयश को किस तरह एम्बैरेस करती हैं। सुना के भागते ताकि ये मेरी तरफ देखे ही ना, बिल्कुल बिल्कुल कि तेरे अरमान थे ना, मेरे को पकड़ के ऐसे ऐसे करने का क्योंकि तेरी बीवी आ गई, फलाना फलाना बहुत कुछ सुना के जाती है। और ये बोलती जस्ट शट अप एंड गो ऐसे करके, मुझे नहीं देखना तुम्हें। इस टाइम पे इंसान यही बोलेगा और क्या बोलेगा कि एक और पपी दे दो, तो इसका मतलब सुयश बहुत लॉयल है और अच्छे हैं। वेल, कहीं ना कहीं सुयश भी फाल्गुनी को मिस कर रहा है, और फाल्गुनी तो सुयश से प्यार करती ही है, तो जल्द ही दोनों के बीच रोमांस देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।